15 minutes of questions. Please raise your hand. Identify yourself. हाँ और या जो हमने कहा है उसको सोचने के लिए आपको वक्त चाहिएगा वो चाय पे ये वक्त ज्यादा जी अभी जो है वो वाइस एडमिरल साहब ने फरमाया था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो शायद हमारी नेशनल सिक्योरिटी बन सकती है. तो एक तो गुजारिश ये है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं. पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है और हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि शायद हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो क्लाइमेट चेंज हो सकता है. एक बात तो ये, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे अभी जनरल साहब ने जो है वो पानी के हवाले से बात की, तो वो 36 मिलियन एकड़ पानी तो जाहिर है कि वो हम फेंक रहे हैं, उसका उस पर तो कोई डिबेट नहीं है. लेकिन गुजारिश है कि हिंदुस्तान ने पानी को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो करार दे दिया है. वो ऐसा करार दे दिया कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने अभी गुज़िश्ता चंद महीने पहले जब उनके यहाँ डैम का झगड़ा हुआ तो उसने 100 मोटो एक्शन लिया. एक साइड पे जो है वो चंद हज़ार लोगों के मरने का ख़तरा था जिसमें अरुंधति रॉय भी जो है वो शामिल थी और वो मुजाहरे कर रही थी, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब अली ये लोग जो मर रहे हैं हमारी बला से ये मर जाएं, इसलिए डैम इसलिए बनेगा कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी, वाटर हमारी नेशनल सिक्योरिटी है. हिंदुस्तान ने जो है वो 5000 डैम बना लिए हैं, 500 डैम जो है वो उसके ज़ेर तामीर हैं जो 2025 तक बन जाएंगे. और हमारे पास जो पानी है वो मतलब 2 और 3 डैमों पर चल रहा है. जो हमारी कुल कैपेसिटी है गालिबा 140 मिलियन एकड़ फुट जो हमारे पास पानी है उसमें से हम 12.5% पानी जो है वो महफूज कर पाए हैं और हिंदुस्तान 750 में से 30% पानी जो है वो अपना महफूज कर चुका है. तो अभी तक हम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को वाटर को अपनी नेशनल सिक्योरिटी नहीं समझते. जनरल साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, इसलिए कि मेरे हिसाब से या मेरे ख्याल में तो हमें ना एटम बम की ज़रूरत है हिंदुस्तान को, ना किसी और हथियार की ज़रूरत है. उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि 2040 तक पाकिस्तान ऐसी ही सूरत हाल में रहे, बस ये ख़त्म, इनके एटम बम भी बेकार हो जाएगा. देखिए बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है पानी, और जिस तरह कहते हैं कि फ्यूचर वॉर्स पानी पे हो सकती हैं और कराची शहर में देखिए जो हाल होता जा रहा है, तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सब कुछ सफ़र करेगा और हमको जितनी तवज्जह चाहिए डैम्स के बनाने पर, और अगर कोई उसके अंदर रुकावटें हैं तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में और टेक्निकल कमेंडेज के थ्रू हल करके हमको आगे बढ़ना चाहिए. ये काम तो लगातार अभी कई सालों तक 20-25-30 साल तक होने वाला है, होना चाहिए. मैं ज़रा इजाफा करना चाहूँगा. देखिए पानी का अभी अगले सालों में आपका मसला होगा कि पानी आपके पास बहुत ज़्यादा होगा. आपके यहाँ अगर ग्लेशियर मेल्ट चलती है तो आपके पास इतना पानी आएगा कि आपको सैलाब का डर रहेगा. आपकी पहला नुक्ता जो है वो बिल्कुल सही है, हमें डैम्स बनाने चाहिए और डैम न बनाने की वजह से हम बहुत कुछ माजी में खो चुके हैं. लेकिन हम अभी भी ज़्यादा इस वजह से खो रहे हैं क्योंकि अभी आपका 90-92% पानी जो है वो आपका एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है और उस एग्रीकल्चर के इस्तेमाल में आप 40-50% पानी ज़ाया करते हैं, उसकी वजह से आपके पास वाटर लॉगिंग भी होती है. तो हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस सिस्टम्स है उनको दुरुस्त करें, आपकी कैनाल्स को ब्रिक ले करें, उनको लाइन करें और आप पक्का करें कि जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो सही तरह से काम करते हैं और उससे ज़्यादा पानी लोगों को नहीं मिलता. तो हमें पहले अपनी चीज़ें सही करनी चाहिए फिर शिकायत करनी चाहिए औरों के साथ. आपके जो वाटर डिवीजन है आपने जो की है वो 110 मिलियन क्यूबिक फीट की है सूबों के दरमियान, उससे ज़्यादा पानी आपके पास आता है. अब
उसका क्या करना है और कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको फैसला करना है। अभी भी फ्रंटियर वाले पूरी तरह से अपना पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको उनको उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए और उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए हमारे एग्रीकल्चर की। सो आपका जो बुनियादी नुकता है वो बिल्कुल सही है, हमें और डैम बनाने चाहिए, क्योंकि ये जो सैलाब वाला पानी है, ये जो ग्लेशियर वाला मेल्ट वाला पानी है, वो कुछ अर्से चलेगा, हो सकता है कि एक दशक के लिए चले, लेकिन उसके बाद आपको पानी को प्रिजर्व करना होगा और नई टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि आप पानी एग्रीकल्चर के लिए कम से कम इस्तेमाल करें। आज की रिपोर्ट जो मैंने आज सुबह देखी कि सैयद मुराद अली शाह ने कराची वाटर और सीवरेज बोर्ड की पतलून उतारी कि साहब आप हमसे सब झूठ बोलते रहे हैं, आपके पाइप सब लीक कर रहे हैं और वो सीवरेज का पानी भी इसके साथ मिल रहा है और आप पाइप्स को रिप्लेस करना शुरू करें। वापस वही सवाल आता है कि आपकी गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हुआ है, कोई अपना काम कर रहा नहीं है। उन्होंने इंजीनियर से कहा कि आप पॉलिटिशियन से झूठ बोलते रहे, मैं इंजीनियर हूँ, मुझसे ये झूठ नहीं बोल सकते। ये चीज़ें हैं जिनको हमें हल करना है और जिसका अंदरूनी चीज़ों से ताल्लुक है, बैरूनी से नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं एनवायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट हूँ। पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 70 साल हो चुके हैं, क्या यह पाकिस्तान अब तक सिक्योरिटी ही स्टेट कहलाएगा? करीब में बैठा भूटान है, इन्वायरमेंटल स्टेट कहलाता है, चाइना करीब में है, उसको ट्रेड स्टेट कहलाता है। क्या पाकिस्तान को हम टूरिज्म स्टेट नहीं बना सकते? क्यों ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पाकिस्तान को हम सिक्योरिटी स्टेट बनाएं? थैंक यू। आपने बात की है टूरिज्म की, नहीं मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से मामले को आपको चाय पिलाना चाहता हूँ। तो मसला ये है कि टूरिज्म, इस वक्त आप हैरान होंगे कि मैं इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान गया था। गिलगित बल्तिस्तान की कुल आबादी 15 लाख है और आप हैरान होंगे कि 17 लाख टूरिस्ट गए थे इस दफ़ा, और मेरे जाने के बाद इस दफ़ा इस साल 20 लाख जाएंगे, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा उसको प्रोपेगेंडा हमने किया है। तो आपकी टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो रही है, अगर यहाँ अमन रहे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ना, अभी भी हिमालय पे जाते हैं और बहुत कुछ होता है। आपका ये जो मामला है सिक्योरिटी का, हमें खतरा रहता है ना, जाएगा दो मुल्कों से तो है ना इस वक्त, तो इसलिए तो वो करना पड़ेगा जी। वलीद खान खटक मेरा नाम है और इंटरनेशनल रिलेशन फाइनल ईयर कराची यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा पहला क्वेश्चन वाइस एडमिरल आसिफ हुमायूं से है कि उन्होंने कहा कि गवादर में हमें नावल बेस बनाने की ज़रूरत है, तो क्या सर हम ऑरमाडा के नावल बेस से गवादर को कंट्रोल नहीं कर सकते? एंड मेरा सेकेंड क्वेश्चन जनरल साहब से है कि हाइब्रिड वॉरफेयर की उन्होंने बात की, हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान एफपाक डॉक्ट्राइन, ऑपरेशन ब्लू तुलसी एंड ऑपरेशन कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन इसकी जद में है, तो सर कब तक हम इन हाइब्रिड वॉरफेयर की बातें करते रहेंगे? आवाम को इसके हवाले से आर्मी अवेयर कब पैदा करेगी और आवाम के दरमियान इसके हवाले से अवेयरनेस है और एक कॉपरेशन है वो कब शुरू होगा आर्मी की तरफ से? थैंक यू। देखिए, मैंने जो बात की कि गवादर के अंदर एक नेवल बेस बनाने की ज़रूरत है, उसकी वजह एक तो ये है कि अगर आप गवादर का फ्यूचर प्लान जो है वो ये है कि वो कराची की दोनों बंदरगाहों से तकरीबन 10 गुना बड़ी बंदरगाह होगा। अगर इतना वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी है तो उसको इमीडिएट सपोर्ट के लिए एक नेवल बेस की ज़रूरत है। आप गवादर को जो है ना, अगर ओरमारा से करने की सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, आप ओरमारा पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, ओरमारा की पोर्ट में तो इतनी सख्त नहीं है कि हम कराची जितनी जहाज वहाँ पे खड़े कर सकें, वहाँ पे बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी है। सो हमें एक नया नेवल बेस बनाने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको कहा कि जो ना, अगर आप इतना आपका फ्यूचर विजन है तो आपको उसके मुताबिक हमें नेवल बेस बनाने का सोचना चाहिए। ठीक है।
हमें यूके में बताया गया, एक विजिट के दौरान पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टडी करने गए थे, कि वहां स्कॉटलैंड यार्ड ने बताया कि 66% ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट लॉ ब्रेकर्स, क्रिमिनल्स, जो गलत वीजे वाले या गलत एक्टिविटी वाले लोग, कहते हैं 66% इंफॉर्मेशन कम्स टू सिटीजन ऑफ यूके। नंबर दो बात, उन्होंने इतने कैमरे लगा दिए हैं, आप जाके हीथरो पे उतरेंगे, आप कितने बक्से लेकर आए हैं, किस रंग के बक्से हैं, किस टैक्सी में बैठे हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ उतरे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो उन्होंने अपने सिटीज को सेफ बनाया है, उनके सिटीजन कोऑपरेट करते हैं। पिछले दिनों जितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिनको कल बताया गया 18,001 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए मुसद्दिक खबरों के बाद, वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है इंटेलिजेंस एजेंसी की नहीं थी, बल्कि बहुत से लोग जो पार्टीज के अंदर हैं, जो अमन चाहते हैं, या नेबर्स थे या दूसरे लोगों ने रेंजर की हेल्पलाइन पर बताया था, उसके बेसिस पर जब वहाँ गए तो वहाँ से हथियार भी निकले और टारगेट किलर भी पकड़े गए। तो ये तो काम शुरू है, अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो ये बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। बाकी कोर डॉक्ट्रिन के लिए पाकिस्तान ने टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, जो उसको एक तोड़ है, मार देंगे। बोले, 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 बो